तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। इन दिनों देश भर के कई राज्यों में वायरल फीवर और डेंगू का कहर बरप रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, जबकि अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के साथ साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, महाराष्ट्र इन दिनों बीमारियों के कारण तकरीबन 100 से ज़्यादा अधिक लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। बच्चे भी बड़ी संख्या में इसके शिकार होते नजर आ रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं दिन ब दिन बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अगस्त के दूसरे सप्ताह में जब बुखार के मामले आना शुरू हुआ तो स्थानीय अधिकारियों ने इसे मिस्ट्री फीवर का नाम दिया। बाद में उत्तर प्रदेश ने इसे डेंगू बताया। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश के वायरल फीवर के दर्जनों मामले सामने आए हैं। बिहार की राजधानी पटना के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चा वार्ड पूरे तरीके से फुल हो चुका है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी वायरल फीवर के अत्यधिक मामले आने से अस्पतालों पर दबाव काफ़ी बढ़ गया है। हरियाणा में भी हालत खराब और चिंताजनक है। बिहार की राजधानी पटना के दो अस्पतालों में सितंबर में 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन बच्चों की मौत रेस्पिरेटरी निमोनिया के कारण होने की आशंका बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि हाइग्रेड फीवर से ग्रसित बच्चों के श्वसन तंत्र में दिक्कत आने के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वायरल फीवर कहर बरप रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 45 दिनों में प्रदेश के हाई ग्रेड फीवर के 3000 मामले सामने आ चुके हैं। 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसमें से 1400 मामले तो पिछले 2 सप्ताह में सामने आए हैं। मंदसौर सबसे प्रभावित जिला है, जहां वायरल फीवर के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू से 61 लोगों की मौत होने की पुष्टि सामने की गई है। इनमें से 50 बच्चे ही थे। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में अभी डेंगू से पीड़ित 490 बच्चे एडमिट हैं। मथुरा में हाई फीवर से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पीछे नहीं है, महाराष्ट्र में भी दिन ब दिन डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं।